अस्सलाम वालेकुम भाइयों। सुनो भाई, दोनों ठीक हो ना? जी भाई। आज हम फिर से शिकार पर जा रहे हैं। आज फिर कहाँ जाने का इरादा है? आज फिर से हम सलेबियों के इलाके में शिकार करने के लिए जाएंगे। फिर तो सलेबियों को मारने में मजा आएगा। भाइयों चलते हैं। अतः भाइयों, आज इनकी मौत हमारे हाथों लिखी है। हमला करो सिपाहियों। चलो भाइयों आगे चलते हैं, तो हमें आगे भी सलेबियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे जांबाज सिपाहियों, अपने इलाके की हिफाजत करो। ये पागल तुर्क हमारे इलाके पर हमला करना चाहते हैं। वो तुर्क दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं। वो हमारे सिपाहियों को कत्ल करके हमारे इलाके की तरफ आ रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त जंग के लिए तैयार रहो। तुम आस पास के इलाके पर नजर रखो। मुझे तो लगता है वो अभी तक यहीं पर घूम रहे होंगे। सिपाहियों तैयार हो जाओ, अर्तुगरुल हम पर हमला करने के लिए आ रहा है। चलो उन पर हमला करते हैं। आगे वो सलेबियों का ठिकाना है। मैं आगे जाता हूँ और तुम दोनों मेरे पीछे आओ। जैसे आप ना समझो। भाई
क्या तुम ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम ठीक हैं। क्या तुम लोग जख्मी तो नहीं हुए? नहीं, नहीं। आज हमने काफिलों का खात्मा कर दिया। चलो वापस कबीले चलते हैं सिपाहियों। किया गया तुर्कों ने समझ लिया ये इलाका हमारा है। ये उन लोगों की गलत फहमी है। यसु मसीह हमारी हिफाजत करे। ऐ खुदावन हमें ताकत दे कि हम तुर्कों से मुकाबला कर सकें। क्या बात है कमांडर, तुम बहुत जख्मी और मुझे थके हुए लग रहे हो। उन तुर्कों ने हम पर हमला कर दिया और हमारे सिपाहियों को कत्ल कर दिया। गवर्नर काला रूस, अब आप ही कुछ करें। गवर्नर काला रूस करता नहीं बल्कि कर देता है। कमांडर तुम अब देखते जाओ कि मैं इन तुर्कों का क्या हाल करता हूँ। वो ये गलत फहमी में घूम रहे हैं कि उनके आगे सलेबी कुछ नहीं, तो ये उनका गलत फहमी है। तुम अब कमांडर देखते जाओ कि इन तुर्कों पर मैं कैसे आसमानी बिजली की तरह गिरता हूँ। चलो सिपाहियों अब उन पर हम हमला करते हैं। मेरे जांबाज सिपाहियों और खूंखार सिपाहियों इन तुर्कों पर हमला करो। अर्तुगरुल तो तुम्हें हमारे चंगुल में कैसा लग रहा है? हमारा चंगुल एक जहन्नम आग की तरह है जो भड़कती हुई शोलों की तरह इंसान को जला देता है। जिंदाबाद। अब चलो आगे की तरफ चलते हैं।